ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕਪਿਲ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਨੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਇਤਨੇ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਕਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਂਗੇ ਆਪ। फिर उसने कहा, सर पहले मैं दो बार आया था, एक बार बादल साहब थे, एक बार कैप्टन साहब थे, मैं पहले से भी सोच रहा हूँ यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, बस सरकार की तरफ से सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। फिर बातों में चाय आ गई, चाय पीने से पहले फिर, सर पहले सपोर्ट मिली नहीं, अगर सरकार की सपोर्ट मिल जाए कमाल हो जाएगा। मैंने सोचा यार सरकार की सपोर्ट पर बहुत जोर दे रहा है। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेगा, क्या बिजली सस्ती दे दो, मुझे मुझे जमीन सस्ती खरीद के दे दो, इससे और क्या सपोर्ट मांगेगा। मैंने कहा जी व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड, कौन कैसी सपोर्ट चाहिए आपको सरकार की तरफ से। कहने जी बस तंग मत करना। मैं कहा यार इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट के पास आके कह रहा है जी ये सपोर्ट चाहिए कि हमें तंग मत करना। हमने कहा जी वो वाला जमाना चला गया जो हिस्से मांगते थे, जो प्रॉफिट में से हिस्से मांगते थे। पहले इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे एक परिवार के साथ MOU साइन करते थे, अब इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं 3.5 करोड़ पंजाबियों के साथ MOU साइन होता है। और जैसा कि बार बार हम भी बोलते हैं कि हम हमारे यहाँ बहुत से लड़के बाहर जा रहे हैं, विदेश में जाने का बहुत सबसे ज्यादा देश में शायद हमारे स्टेट में ही होगा। वो क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको यहाँ डिग्री के मुताबिक काम नहीं मिलता। तो अभी हम उस सिलसिले में बहुत जोर से लगे हुए हैं। अभी परसों ही मैं 560 सब इंस्पेक्टर को, उससे पहले पटवारियों को, अब तक 16 तारीख को 1.5 साल हो जाएगा गवर्नमेंट बने हुए, 35,848 सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं जी, और वो भी विदाउट एनी रिश्वत, विदाउट एनी लॉबिंग और सिफारिश। कल ही मेरे पास एक फोन आया, मेरा दोस्त है, उसका गांव है, छोटा सा गांव है, उसने कहा जी आज हमारी पंचायत इकट्ठी हुई है सारे गांव और लंगर चल रहा है, जलेबियां भी बनाई हैं। आजादी के बाद 70 साल में हमारे गांव में एक भी सरकारी मुलाजम नहीं था, कल सब इंस्पेक्टर एक भर्ती हुआ उसको मिला के अब 5 सरकारी मुलाजम सिर्फ हमारे छोटे से गांव में हैं। उसके लिए हम खुशी मना रहे हैं, जलेबियों का लंगर चल रहा है। ये देखिए ना 70 साल में एक भी मौका नहीं मिल रहा, कहां से फिर क्यों नहीं जाएंगे वो इधर उधर जाएंगे? टैलेंट है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे दिमाग बाहर जा रहे हैं। अकेला वो नहीं जाता, साथ में 35 लाख रुपया, साथ में जब उसके माता पिता जाएंगे तो सब कुछ, यहां घर को ताला लग जाता है। तो ये ब्रेन ड्रेन जो है ना, इसको एक ही तरीके से रोका जा सकता है, जब रोजगार मिल जाए डिग्री के मुताबिक। हो सकता है पहले आपको कहीं इधर से पूना से बेंगलोर से कुछ एक्सपर्ट लोग लाने पड़े, लेकिन आप हमें बता देना कि इनकी डिग्री ये है, आपको 2 साल में वही स्किल वाला लड़का या लड़की आपको यहीं से हम पढ़ाई करवा के डिग्री लेके दे देंगे। तो मैं आज फिर इस बात पर वचनबद्ध हूं, गारंटी देता हूं कि आप लोग जब आओगे, कोई दिक्कत आपको पंजाब सरकार की तरफ से या कोई खज्जल खुआरी बोलते हैं वो नहीं होगी। हमने एक नई चीज कर दी है जो शायद आप में से कुछ को पता हो, कुछ शायद कुछ को जानकारी ना हो, मैं बताना चाहता हूँ। देश में पहला सूबा है, पहली स्टेट है जिसने ये इंट्रोड्यूस किया, हमने कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर कर दी है, अस्टाम की कलर कोडिंग कर दी है। अगर आप जस्ट सपोज के आप इंडस्ट्री पंजाब में लगाना चाहते हो, डेराबसी में लगाना चाहते हो, आप मोहाली में लगाना चाहते हो, लुधियाना में, आपने 30 एकड़ जमीन आइडेंटिफाई करनी है, बाय नहीं करनी, आइडेंटिफाई करनी है पहले, उसके मालिक से बात कर लो,
हाँ जी ठीक है जी। उसके बाद आइडेंटिफाई करके आपने हमारे इन्वेस्ट पंजाब के पोर्टल पर जाना है, जहां मोहाली में हमारा ऑफिस है जी सामने, वहां पे आना है। आपने वो जमीन बता देनी है कि ये जमीन मैंने देखी है। हमारा सीएलयू का स्टाफ जाएगा वहां पे डिपार्टमेंट, हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा पोल्यूशन डिपार्टमेंट जाएगा, हमारा फायर डिपार्टमेंट जाएगा। विद इन 14 डेज, 14 वर्किंग डेज वो सारे जाके हमको रिपोर्ट करेंगे जी, बिल्कुल हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ फैक्ट्री लग सकती है। आपको 14 दिन में ये क्लियर हो गया, 15वें दिन हम आपको कहेंगे कि अपने जो आपको जमीन बेच रहा है उसको बुला लो। बुलाना भी इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस में ही है, कचहरी में नहीं जाना, वहीं पे हमने तहसीलदार बिठा रखा है। उस तहसीलदार के सामने आपके उस जमीन की रजिस्ट्री होगी, उसमें आपको ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, वो महंगा होगा स्टैंप पेपर, क्योंकि उसमें सभी किस्म की एनओसीज का पैसा इंक्लूडेड उसमें होगा। तो जैसे ही क्लोजिंग हुई, रजिस्ट्री हुई, साइन हुए, फोटो हो गई, यू आर रेडी टू गो। अगले दिन भूमि पूजन करके आप अपनी फैक्ट्री शुरू कर सकते हो, पहली ईंट लगा सकते हो। 15 दिन, एक दिन भी हम आपके पैसे को स्टक नहीं करेंगे। कि पहले क्या होता था, 7-7, 8-8 महीने सीएलयू नहीं मिलता था, करोड़ों की जमीन, कितना ब्याज उस पे होगा। और ये सक्सेसफुल चलेगी, चल रही है। अभी तक हमारे पास 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज आ चुके हैं जो ग्रीन स्टैंप पेपर ले चुके। यही हम रेड स्टैंप पेपर हमने हाउसिंग के लिए किया है। क्या आप कॉलोनी काटनी है, हाउसिंग में आना है, तो रेड लेना पड़ेगा। वहां हमारा सीवरेज डिपार्टमेंट, हमारा बिजली डिपार्टमेंट सब जाएंगे, आपको क्लियरेंस देंगे और आपको रेड स्टैंप पेपर लेके यू आर रेडी टू गो। 6 महीने बाद 8 महीने बाद आपके पास कोई अधिकारी आए, जी पेपर दिखाइए फैक्ट्री के, आपने ग्रीन स्टैंप पेपर दिखाना है। ग्रीन स्टैंप पेपर का मतलब है सब कुछ आपने ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ऑलरेडी पे कर चुके। तो ये चीज हमने पहले इंट्रोड्यूस किया देश में और कामयाबी से चल रही है, क्योंकि इससे पहले ही पता चल जाएगा कि आप काम कर। कई बार क्या होता है, जमीन किसी और मकसद के लिए खरीदी होती है, वो इधर से जब मास्टर प्लान बनता है तो वो जमीन अंदर आ जाती है, उसके बाद पता चलता है आप तो यहाँ फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते, ये तो रिहायशी एरिया में आ गई। इसीलिए हम पहले सारे चेक करेंगे, उसके डूज एंड डोंट्स, उसके बाद फिर आपको। एक पिक्चर बनी, बहुत हिट हुई, केसरी, सारागढ़ी की लड़ाई की है वो, आपने देखी होगी बहुत से लोगों ने, कैसे 21 योद्धाओं ने कितने हजार फौज का सामना किया, लामिसाल है, दुनिया की बड़ी लड़ाइयों में उसका नाम दर्ज है, लेकिन किसी को भी नहीं पता होगा ये कहाँ है, इसकी कोई यादगार या इसका कोई देखना चाहता है, वो फिरोजपुर में है। कल जाके उसका उद्घाटन करूंगा, वो सारागढ़ी की यादगार हम वहां पे बना रहे हैं। 1 करोड़ रुपया 2019 में जारी हुआ था, 25 लाख और मांग रहे थे डिपार्टमेंट वाले, वो 25 लाख नहीं दिया, इसलिए 1 करोड़ 4 साल हो गए वहीं पड़ा है। तो हमने कहा जी 1 करोड़ की जगह आप 50 लाख और ले लो, यादगार बनाओ, 21 के की नाम भी लिखो उनके सबके, और उनके फोटोज ही लगाई जाएंगी वहां पे, लोग देखने जाएंगे। फिरोजपुर में हुसैनी वाला में भी वही बागा परेड जो है ना, वही वाली फिरोजपुर हुसैनी वाला में भी होती है रोज, बल्कि फिरोजपुर वाली बहुत ज्यादा नजदीक चले जाते हैं। बागा में तो गेट खुलता है, वहां तो एक खोल के ना नजदीक चले जाते हैं। उस परेड को भी हमने एक मतलब टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए एफर्ट शुरू कर दिए। भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह जी ने जिस पिस्टल से सांडर्स को मारा था, वो हुसैनी वाला में बीएसएफ के पास पड़ा है। कैसी कैसी चीजें हमारे इतिहास की चीजें पड़ी हम, जिनकी जिनको देखने के लिए हम तरसते हैं। तो मैं और ये वो सरकार है जिसने अपनी ओथ सेरेमनी शहीद आजम भगत सिंह के गांव में की थी, खटखड़ कला में की थी।